आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएसएच में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आईटीआई के प्रोफेशनल कोर्स और जनरल कोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे प्रोफेशनल कोर्स और जनरल कोर्स में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आईटीआई के कितने टाइप के कोर्स हमारे जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीनरशिप जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग के द्वारा कोर्स को चलाया जाता है वो कितने प्रकार के आईटीआई कोर्स हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स से रिलेटेड हमारे कोर्स हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उनका नाम। सबसे पहले आईटीआई जो हमारा है वो दो प्रकार के कोर्स में चलाए जाते हैं, एक होते हैं इंजीनियरिंग कोर्स और एक होते हैं नॉन इंजीनियरिंग कोर्स। इंजीनियरिंग कोर्स उनको कहते हैं जिनमें हमारा मैक्सिमम जो है वो मशीनिंग वर्क होता है। मशीनिंग वर्क किस तरह, जैसे हमारा कोई एक फिटर का मैकेनिकल का ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल का ट्रेड है जिसमें मशीन वगैरह मोटर्स वगैरह हमारा मशीन्स वगैरह काम ज़्यादा वगैरह होता है, और जिनका वर्क जो है खासकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा मैक्सिमम होता है जिसमें एक इंजीनियरिंग का हमारा वर्क होता है, इसीलिए इन सभी ट्रेड को बोलते हैं मैकेनिक इंजीनियरिंग ग्रुप ऑफ कोर्स में आते हैं। नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हमारे क्या है, जो जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, सिलाई मशीन हो गया हमारा, ऐसे बहुत सारे हमारे नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हैं। बेकरी प्रोडक्ट हो गए हमारे हमारे आपका हॉस्पिटलिटी हो गए, सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गए हमारे, फिर आपके ऐसे इन जिनमें हमारे इंजीनियरिंग का वर्क नहीं होता है, ये सारे जो कोर्स होते हैं ये नॉन इंजीनियरिंग कोर्स में होते हैं। अब आईटीआई में हमारे जो भारत सरकार के द्वारा जो आईटीआई कोर्स को चलाया जाता है, ठीक है, इसको अगर आईटीआई कोर्स ना बोल के हम लोग एक वोकेशनल कोर्स अगर बोले तो सबसे बेहतर होगा। ये तो आईटीआई में हमारा दो प्रकार के कोर्स हो गए, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग वोकेशनल कोर्स। तो आईटीआई का जो कोर्स होता है हमारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का सीटीएस कोर्स बोलते हैं, क्रॉसमैन ट्रेनिंग स्कीम। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमारा सीखा हुआ ऐसा ऐसा स्टूडेंट ऐसा ट्रेनिंग जो इस स्कीम इस कोर्स के द्वारा किसी चीज़ को किसी ट्रेनिंग को सीख रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रॉसमैन ट्रेनिंग स्कीम। ऐसे तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू टोटल इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो सीटीएस कोर्स जो है वो 80 है और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हमारा 63 है, जिनका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एक साल भी होता है, दो साल भी होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम दो साल के ही कोर्स पाए जाते हैं, एक साल के भी पाए जाते हैं, जैसे वेल्डर हो गए हमारे, और दो साल के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सारे हमारे दो साल के कोर्स हो गए, और एक साल के वेल्डर हो गए, वारमैन हो गए, कोपा हो गए, ये सारे हमारे सीटीएस कोर्स में आते हैं। और एक कोर्स पाया जाता है जो आईटीआई पास होने के बाद आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस आईटीआई फील्ड में आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक सीआईटीएस का एक कोर्स होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये एक साल का होता है, ये भारत सरकार के द्वारा ही जितने भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको हम एनएसटीआई करके एनएसटीआई के नाम से हम लोग पुकारते हैं, एनएसटीआई या आईटीयूटी, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेड ट्रेनर्स ऑफ ट्रेड, जिनको हम लोग आईटीयूटी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनर्स आईटीयूटी जिनका नाम बोलते हैं हम लोग। ये सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे ये भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जो सीआईटीएस कोर्स को कराते हैं, जिन इंस्ट्रक्टर के जो कोर्स होता है उनको कराते हैं। जैसे हमारे जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे एक एनएसटीआई कोलकाता हो गए, एनएसटीआई कोलकाता जो हावड़ा में हमारा दास नगर में है, इसी तरह एनएसटीआई मुंबई हो गए, एनएसटीआई कानपुर हो गए, ये सारे एनएसटीआई देहरादून हो गए, इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में हमारे टोटल 18 और 12 टोटल 13 हमारे ये सीआईटीएस के इंस्टीट्यूट हमारे हैं, जिनमें 18 हमारा सरकारी है और 12 हमारे मैक्सिमम हमारा जो ये टोटल मिला के हमारे ये 13 हमारे यानी जो सीआईटीएस के कोर्स के ट्रेनिंग को कराते हैं। और भी एक कोर्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कराया जाता है, जो
अप्रेंटिसशिप हमारे कोर्स होते हैं जो ITI पास आउट करने के बाद हम लोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लोग करते हैं, जिसको 1 साल का एक स्टाफिंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसमें एक स्टाइफन आपको दिया जाता है गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से एज पर अप्रेंटिस एक्ट, जो किसी कंपनी में इंडस्ट्रीज वगैरह में कराया जाता है, जो इसका एक वैकेंसी अलग से एक निकलता है। इस वैकेंसी को ट्रेनिंग अप्लाई करते स्टूडेंट को अप्लाई करते हैं कैंडिडेट, तो इनको फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इनका एक जॉब जैसा रिक्वायरमेंट ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद एक पर मंथ एक स्टाइपेंड दिया जाता है, और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है जो NCVT DGT के द्वारा, हमारा भारत सरकार के द्वारा चला है, जो 3 महीने 6 मंथ के भी कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं। आइए हम लोग ITI जो है, ITI करने के बाद क्या क्या इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में हमारे आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो ITI करने के बाद हमारे बहुत सारे इसके फ्यूचर में, करियर में बहुत सारे इसके लाइन होते हैं हमारे। जैसे अगर मान लीजिए जॉब के हिसाब से अगर हम लोग पकड़े, जॉब के हिसाब से अगर हम देखते हैं ITI का, तो मैक्सिमम जो है कैंडिडेट जो है, जो ITI पास आउट कैंडिडेट होते हैं, ITI पास आउट करने होते हैं, या तो वो प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी को ज्वाइन करते हैं जब वैकेंसी कैंपसिंग होता है, या कहूँ वैकेंसी निकलती है तो वहाँ अप्लाई करते हैं, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी अप्लाई होता है तो फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग करते हैं। सेल ऐसे तो हमारे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं ITI में, जैसे सेल है, रेल है, भेल है, DRDO सुरु है, इस तरह बहुत सारे वैकेंसी हमारे ITI के फ्यूचर में हमारे जॉब के लिए निकलते रहते हैं। और भी एक ऑप्शन है, दूसरा बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत से क्या करते हैं कैंडिडेट लोग ITI पास करने के बाद, वो लोग चाहते हैं कि अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें, इंटरप्रीनियर जिसको बोलते हैं, इंटरप्रीनियरशिप। जैसे मान लीजिए कोई एक वेल्डर है, कोई एक वेल्डर ट्रेड का कोई कैंडिडेट हो जो पास आउट किया हुआ है, उसने ITI पास आउट किया है वेल्डर में, अब वो एक प्लानिंग करता है कि वो खुद का एक गैरेज गैरेज एक सेटअप करेगा, एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, जिसमें हमारे एक वेल्डिंग मशीन होगा और कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल को रख करके एक एक वेल्डिंग शॉप, वो वेल्डिंग शॉप को जैसा एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो ये इसके थ्रू भी ITI पास आउट करने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट लोग ने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिसको एक इंटरप्रीनरशिप के नाम पे हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक बिजनेस में ही आ गए हमारे ये। ऐसे ही बहुत सारे इंटरप्रीनरशिप हमारे बिजनेस ITI कैंडिडेट पास आउट लोग अपनाते हैं, जिनको नेक्स्ट आते हैं हम लोग करियर एजुकेशन। अगर एजुकेशन का बात करें ITI पास करने के बाद, तो क्या क्या एजुकेशन के हिसाब से हमारे, तो ITI पास करने के बाद डिप्लोमा में डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटर एंट्री के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ डिप्लोमा आपका 3 साल का होता है वो 2 साल में आपको कंप्लीट कर सकते हैं आप आसानी से। और इसके लिए आपको एक लेटर एंट्री का बुकलेट का एग्जाम देना होता है, जो आपका HS बेसिस 10 बेसिस और HS बेसिस पे आप इसका एक इंटरन टेस्ट होता है। इंटरन टेस्ट पास आउट करने के बाद एक रैंक लाने के बाद आप ये डायरेक्ट डिप्लोमा कॉलेज में, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरा तो सबसे पहले इसमें डिस्कस कर ही चुका हूँ कि अप्रेंटिसशिप स्टाइफन कोर्स आप कर सकते हैं, जिसको अप्रेंटिसशिप कोर्स बोलते हैं, जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी या इंडस्ट्री के द्वारा होता है, जो एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स इसको जो स्टाइफन मिलता है वो आपको मिलेगा मिलता है आशा करते हैं आपको समझ एक